प्राची की जगह शादी के मंडप में सिड के साथ बैठ गई शाहना और रणबीर ने बचा लिया मेहिका को और ले आया शादी के मंडप में रणबीर सबके सामने आलिया रिया की असली सच्चाई और पल्लवी ने निकाल दिया आलिया रिया को घर से बाहर और मांगेगी प्राची से माफी। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में प्राची सिड की शादी ना हो इसके लिए जब प्राची अकेले कमरे में शाहना को कहेगी कि मेरी जगह शादी के मंडप में तू बैठेगी और तब तक इससे पहले मैं इस शादी को रोकने की पूरी कोशिश करूंगी, तभी यह सुनकर शाहना सिड के साथ प्राची की जगह बैठने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन रणबीर सिड प्राची की शादी को कोई भी अनहोनी होए बिना रोकने के लिए आलिया की जगह जाएगा जहाँ पर आलिया ने मेहिका को किडनैप करके रखा है और उस जगह जाकर मेहिका को सबसे पहले रणबीर बचा लेगा। और इसके बाद जब रणबीर आलिया रिया के असली सच्चे सबके सामने लाने के लिए अपने घर पहुंचेगा और शादी के मंडप में सिड की जगह कोई और बैठा है यह शक रिया को हो जाने की वजह से, जब रिया सबके सामने चिल्लाकर कहेगी कि ये शादी के मंडप में प्राची नहीं बैठी है, सिड के साथ घूंघट के अंदर प्राची है ही नहीं बल्कि कोई और है, तब यह सुनकर आलिया कहेगी तो ऐसे चिल्ला क्यों रही हो, अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो घूंघट खोलकर देख लो कि सिड के साथ घूंघट के अंदर कौन है, प्राची है भी क्या नहीं। अभी जब रिया सिड के साथ बैठी घूंघट के अंदर शाहना के नजदीक जाएगी और घूंघट को उठाएगी और शाहना का चेहरा देखेगी, तभी रिया पल्लवी आलिया के सबके होश उड़ जाएंगे और रिया गुस्से से शाहना का हाथ पकड़ के कहेगी मुझे पता ही था कि तुम शाहना प्राची की मुंह बोली छोटी बहन ऐसा जरूर करोगी ताकि सिड की शादी प्राची के साथ ना हो, लेकिन देखो शाहना अब तुम्हारा यह प्लान फेल रहा, अब बुलाओ अपनी बड़ी बहन प्राची को और बिठाओ उसे सिड के साथ शादी के मंडप में। तभी यह सुनकर प्राची ऊपर के फ्लोर से सीढ़ियों से नीचे चलते चलते आएगी और रिया को कहेगी कि बस रिया अब शाहना को एक शब्द मत कहना मैं आ रही हूँ। तभी जब प्राची शादी के मंडप में रिया आलिया के सामने आएगी उसी वक्त रिया प्राची की बेइज्जती करेगी और प्राची को कहेगी वाह प्राची मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम प्लानिंग प्लॉटिंग करती हो और देखो आज सबके सामने ये साबित हो भी गया कि तुम अपने मकसद के लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने में कितनी एक्सपर्ट हो। तभी यह सुनकर पीछे से गुस्से से रणबीर आएगा और रणबीर गुस्से से चिल्लाकर रिया को कहेगा बस रिया तुम प्लानिंग प्लॉटिंग की ही बात करी हो ना तो मैं अब सबको बताता हूँ कि प्लानिंग प्लॉटिंग किसने की है और कौन है इस गेम का असली मास्टरमाइंड। तभी यह सुनकर आलिया को काफी बड़ा शौक लगेगा और इसी वजह से जब आलिया पल्लवी को कहेगी कि अपने बेटे को कहो कि अभी रणबीर बीच में ना आए, तभी पल्लवी रणबीर को रोकते हुए कहेगी रणबीर ये तुम क्या करे हो अभी तुम कुछ भी नहीं बोलोगे। तभी यह सुनकर रणबीर कहेगा मैं आज बोलूंगा क्योंकि मुझे सब पता चल गया है। यह सुनकर आलिया डरते हुए अपने सर पर हाथ रखेगी और रणबीर आलिया की आंखों में आंखें मिलाकर कहेगा हाँ आलिया बुझी आप जो सोच रही है वो बिल्कुल सही है मुझे आपकी हर बात का और आपकी हर प्लानिंग प्लॉटिंग के बारे में पता चल गया है। तभी यह सुनकर पल्लवी कहेगी कि ये तुम क्या बोले जा रहे हो। तभी रणबीर कहेगा बात यह है सिर्फ प्राची के साथ शादी कर ले इसकी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग आलिया और रिया ने की है, इन दोनों ने सबसे पहले तो सिर्फ प्राची की शादी करवाने के लिए सिर की बहन मेहिका को किडनैप कर लिया और यही नहीं क्या आलिया बुजी मेहिका को किडनैप करके मेहिका को टॉर्चर भी कर रही थी मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर आलिया रिया के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी जिस वजह से जब आलिया पीछे हटने की कोशिश करेगी तभी रणबीर कहेगा आलिया बुजी कहाँ जा रही हो मेहिका को मैंने आपके चंगुल से निकाल दिया है अब आप मेहिका को और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। यह सुनकर आलिया के होश उड़ जाएंगे और पल्लवी आलिया रिया को घर से बाहर निकाल देगी और अपने किए के लिए प्राची के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगेगी और कहेगी प्राची को सॉरी और अब आलिया रिया का पर्दाफाश हो जाना चाहिए क्या नहीं और आप रणबीर प्राची की जोड़ी को एक देखना चाहते हैं क्या नहीं ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर।